यहां डेबिट हुआ तो करंट ईयर में क्या हो गया, क्रेडिट। करंट ईयर की बात करते हैं, क्लोजिंग एडवांस यहां पे क्या हुआ है बताओ, यहां हो गया। लेकिन ये जो दोनों जो ओपनिंग वाले थे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, लास्ट ईयर में हो चुका है, तो हम उस एंट्री को बस यहां पे शो करेंगे, उसको हम चेंज नहीं करते। देखो यहां पे क्या है हमारा, आप जब आंसर करोगे तो इस बात को माइंड में रखोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बस ये क्या है हमारा डेबिट, तो डबल एंट्री भी ये कहां जाएगा डेबिट, क्योंकि इस साल की एंट्री नहीं है ये पिछले साल की एंट्री है। और ये ओपनिंग क्या है हमारा बताओ, ये क्रेडिट, अब भी कहां जाएगा, दूसरी एंट्री क्रेडिट में जाएगा। वैसे नॉर्मल रूल, क्योंकि काफी बच्चे करते हैं डेप्थ में, जब उसको सोचते हैं तो ये क्वेरी आ जाती है मेरे पास कि सर डबल रूल के हिसाब से तो एक डेबिट होना चाहिए एक क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन यहां तो डेबिट डेबिट ही हो रहा है, यहां तो क्रेडिट क्रेडिट ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हम गलत सीख रहे हैं? नहीं, पिछले साल के बैलेंस को ठीक करने के लिए हमें सेम साइड में, क्योंकि वो हमारा पिछले साल का बैलेंस था, वो हो चुका होगा, तो बस हम उसको शो कर रहे हैं। जो हमें डेबिट और क्रेडिट मैच करना होता है वो करंट ईयर के बैलेंस को देखना है। सेम ऐसे इधर देखो, सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये क्या हो रहा है क्रेडिट, और अब करंट ईयर का है तो कहां जाना चाहिए, अपोजिट साइड, डेबिट में आ गया। कहां डेबिट में आया, ये रहा, ये क्लोजिंग है। इसके बाद ओपनिंग एडवांस क्या है यहां पे, क्रेडिट, तो ओपनिंग है तो पिछले साल भी कहां जाएगा, क्रेडिट में ही जाएगा, और देखो क्रेडिट में ही आया है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। इसके बाद ओपनिंग आपका क्या गिवन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात करूं तो ओपनिंग पिछले साल का, यहां पे क्या करा है मैंने, डेबिट किया है, तो वहां भी क्या जाएगा, डेबिट में, एसेट्स में मिलेगा। यहां पे मैं बात करूं क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग है, यहां डेबिट हो रहा है तो मुझे कहां मिलेगा ये क्लोजिंग का, क्रेडिट में मिलेगा। तो पिछले साल वाला सिर्फ हम एक हेल्पिंग अकाउंट, तो ये मैं अकाउंट बोलूं, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अकाउंट हमारा वर्किंग नोट है, ये अकाउंट मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, ये अकाउंट क्या है, वर्किंग नोट। लेकिन आपको इसको बनाना कंपलसरी है, ओपनिंग और क्लोजिंग, हमारा आंसर रहेगा ये और ये। तो इस अकाउंट बनाने का मोटिव क्या है, इस अकाउंट का बनाने का मोटिव है कि मुझे कैपिटल, कैपिटल फंड निकालना, और कोई दूसरा मोटिव नहीं है। अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन में देगा तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं, बनाऊंगा ही नहीं। तो यानी इस अकाउंट बनाने का वर्किंग नोट सिर्फ एक ही पर्पस है, कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड का कर क्या लेंगे, उसको हम क्लोजिंग के अंदर, बिना कैपिटल के तो बिजनेस चल नहीं सकता, इसलिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तो मैंने आपको इनकम का बताया और ये आपको एक्सपेंस का बताया, इससे रिलेटेड कुछ खर्चे और कुछ इनकम हो सकता है। अब मैं कुछ ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो कि आपने पहले एसेट्स का नाम नहीं सुना, जैसे कि बुक। जब कभी भी आपको बुक दिया होगा, बुक को इनसाइड में लिखना है। और कई बार आपको एसेट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में मिल जाता है। यहां पे अगर मैं बुक को लिखता हूं पेमेंट में 1000 रुपए, इसका मतलब है मैंने परचेज किया है, या फिर इसका मतलब हो सकता है मैंने क्रेडिटर को पेड किया है। ये पेमेंट की एंट्री शो कर रहा है कि आपने पेमेंट किया है। तो दो ही बातें हो सकती है, अगर उधार पैसा होगा तो पेमेंट इसलिए किया होगा क्रेडिटर को, अगर उधार पैसा नहीं होगा तो आपने नया सामान खरीदा है। और ये वाली जो बुक है, मैं वो बुक बात कर रहा हूं जो ओपनिंग में था, यानी जो एसेट्स आपका फिक्स एसेट्स ओपनिंग में होगा वो सारा का सारा कहां पे होगा, और जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में होगा उसको ऐड कर देंगे परचेज के नाम से, परचेज के नाम से। और ये टोटल यहां पे दिखाएंगे, अगर डेप्रिसिएशन होगा तो देन डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाएंगे। फिर से देखो एक बार, आप हमारा एक बुक, मैंने एग्जांपल एसेट्स ले लिया, तो अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में बुक दे रखा है तो वो परचेज मानोगे, अगर क्रेडिटर का है तो क्रेडिटर का पेमेंट होगा, वैसे 99% मान लो परचेज होगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में परचेज है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में परचेज होगा तो वो हमेशा मानना क्लोजिंग ईयर के लिए, पिछले साल के लिए नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो सर पिछले साल का परचेज भी हो सकता है, नहीं, हमेशा अजम्पशन क्या रहता है, जो फिक्स एसेट्स यहां होगा वो एज इट इज पहले नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो उसके बाद हम जो परचेज किया उसको ऐड करेंगे। अगर मैं यहां पे फर्नीचर लिख दूं, क्या इस फर्नीचर को कहीं और भी दिखाना है, बिल्कुल फर्नीचर, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमेशा क्लोजिंग पे लगेगा, अगर है तो हमेशा क्लोजिंग पे,
ओपनिंग पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में डेप थोड़ी लगा सकते हैं। इसका डेट क्या होगा? 1 अप्रैल या 31 मार्च ऑफ लास्ट ईयर, दो डेट हो सकता है। इसका डेट क्या होगा? 31 मार्च ऑफ करंट ईयर, जो भी करंट ईयर है। अगर मैं यहां मशीनरी लिखूं तो बताओ क्या हमारा ये मशीनरी डबल एंट्री करेंगे दूसरी जगह? डबल एंट्री का मतलब ये मत समझना कि कहीं क्रेडिट करेंगे, नहीं, दूसरी जगह क्या इसे ले जाएंगे? ले जाएंगे, यहां पे लेके आना होगा। यानी एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, एनी फिक्स एसेट्स गिवन इन द ओपनिंग बैलेंस शीट इट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये तो कंफर्म हो गया हमें। अब लाइबिलिटी की बात कर, अब कुछ और एसेट्स, कैश का बैलेंस, क्या इसे क्लोजिंग में लिखेंगे? नहीं, ये चेंज हो जाता है क्योंकि कैश तो पर डे के हिसाब से चेंज होता है। तो सिर्फ फिक्स एसेट्स ही इसमें ट्रांसफर होगा, करंट एसेट्स इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। और ये कैश का बैलेंस पता है कहां मिलेगा? रिसिप्टेंट पेमेंट में आपने देखा होगा टू बैलेंस बीडी, ये वो कैश का बैलेंस है, ये वो कैश का बैलेंस होगा। इसके बाद डेटर, क्या डेटर नीचे आएगा हमारा? बताओ डेटर क्लोजिंग में जाएगा? डेटर जाएगा क्लोजिंग में? नहीं जाएगा, मतलब सेम नहीं जाएगा। जाएगा तो, लेकिन वो अपने वाला जाएगा, सेम नहीं जाएगा। अब डेटर अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो क्लोजिंग में हमारा सेम नहीं जाएगा। डेटर की जगह पे मैं स्टॉक ले लेता हूं क्योंकि डेटर होगा नहीं जनरली, आपका स्टॉक ले लेता हूं, ठीक है? तो ये स्टॉक नहीं जाएगा, लेकिन मैं यहां पे भी कैश लिखूंगा और यहां पे भी मैं स्टॉक लिखूंगा, लेकिन ये स्टॉक होगा करंट ईयर का और कैश भी होगा करंट ईयर का, दोनों करंट ईयर का होगा, ये अलग होगा। लेकिन जो मशीनरी और फर्नीचर लिखा है वो जो यहां पे वही वैल्यू नीचे आएगा आपका, इसमें चेंजेस नहीं होगा, जो वैल्यू दे रखा है वही वैल्यू नीचे आने वाला है। तो यानी अभी क्या पॉइंट देखा हमने कि जितने भी इनकम है उसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा तो लाइबिलिटी में भी जाएगा और एसेट्स में भी जाएगा। लेकिन फर्क यह है कि जो इनकम दे रखा है वो इनकम आउटस्टैंडिंग है तो दूसरी एंट्री एसेट्स में, और अगर एडवांस है तो लाइबिलिटी में। लेकिन खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी में, और खर्चा अगर एडवांस है प्रीपेड है तो एसेट्स में। ओपनिंग वाले का डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ओपनिंग वाले का डेबिट तो डेबिट ही, और जो क्लोजिंग का रिलेटेड है उसका हमारा न्यू हम वो करने जा रहे हैं। चलिए इसके बाद सारे एसेट्स जो भी है वो सारा नीचे आएगा, लेकिन ओनली फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स नहीं। अगर यहां इन्वेस्टमेंट है तो क्या नीचे इन्वेस्टमेंट आएगा? बिल्कुल हाँ, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाला आएगा, शॉर्ट टर्म वाला नहीं आएगा। कौन से वाला आएगा? लॉन्ग टर्म। अब इसके बाद मैं बात करता हूं सपोज करो यहां दे रखा है डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ऑटोमेटिकली यही अमाउंट क्लोजिंग में भी आएगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। और अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखा है, डोनेशन किधर मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट पे, रिसिप्ट करेंगे या पेमेंट? रिसिप्ट साइड, क्योंकि मिलेगा तो उसको हम लिखेंगे एड, अलग से और डोनेशन मिला और इसे ऐड करना है, करने का मतलब एक तो इन इधर लिख देंगे और इसी में क्या करेंगे ऐड करके फिर फाइनल अमाउंट लिख देंगे, क्लियर? तो डोनेशन आ गया। अब हम बात करते हैं, एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी हो गया, अब इन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा हमारा, ओपनिंग या क्लोजिंग पे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे? इंटरेस्ट ऑन लोन ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे? क्लोजिंग पे। जितने भी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट से रिलेटेड या परसेंटेज कैलकुलेट करने से रिलेटेड हमेशा वो क्लोजिंग पे लगेगा, ओपनिंग पे नहीं लगेगा। अब डेप्रिसिएशन लिखना है तो खर्चा है, टू साइड में डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में दे रखा है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है हमारा रेंट, रेंट के बाद मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके बाद हो सकता है स्टेशनरी, या तो पूरा स्टेशनरी आएगा। अगर स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है तब तो कंज्यूम निकालना पड़ेगा, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग। लेकिन अगर स्टॉक स्टेशनरी का
या मेडिसिन का या बैट बॉल का कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं देता, तो मान लेंगे सारा का सारा यूज हो गया और सारा यहां लिख देंगे हम। सारा का सारा जब यूज हो गया तो सारा का सारा हम यहां लिख देंगे। इसके बाद और क्या आ सकता है? इनकम के साइड में आ सकता है लॉकर रेंट, और इनकम में क्या आ सकता है? ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, और क्या आ सकता है? इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? हमेशा आपके साथ ये क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एक तो इंटरेस्ट वो होगा जो कि आपको रिसिप्टेंट पेमेंट में मिल जाएगा, और कहां मिलेगा? रिसिप्ट साइड में। और कुछ उस पर कैलकुलेट करने को बोला जाएगा जो कि एक्रूड होगा, तो इसके अंदर प्लस करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, और उसकी डबल एंट्री करेंगे। इनकम क्या है? एक्रूड का मतलब बाकी, तो इनकम बाकी है तो कहां जाना चाहिए? एसेट्स। एसेट्स में किस साइड? ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग में जाएगा। क्लोजिंग में लिख देंगे हम एक्रूड, बस। और सारे खर्चे और भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऑनोरोनियम हो सकता है, अप कीप ऑफ फील्ड हो सकता है, अप कीप ऑफ फील्ड हो सकता है, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। दूसरी बात करते हैं अब आगे, आगे देखा जाए तो यहां से हमें एक आंसर निकालना है, जिस आंसर को हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाना है। इधर आएगा सरप्लस, इसका दूसरा एक और नाम है इनकम ओवर एक्सपेंस, इनकम ओवर एक्सपेंस। अगर आपका सरप्लस आया तो क्लोजिंग में आ जाएगा आपका, सबसे पहले जो हमारा कैपिटल लिख लेंगे, कैपिटल पता हो चाहे ना हो, हमने लिख लिया कैपिटल, अभी पता नहीं है, प्लस कर देंगे सरप्लस, प्लस कर देंगे सरप्लस, ठीक है। इसके बाद इस साइड में बैलेंस आएगा, इस साइड में अगर बैलेंस आएगा तो डेफिसिट, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपेंस, ओवर इनकम, ओवर इनकम, और ये लॉस है एक तरीके का, तो लॉस हुआ तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे डेफिसिट। अब एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। अब ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मेन पर्पस, टोटल करोगे और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कैपिटल फंड, देन ये कैपिटल फंड यहां आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, कैपिटल फंड आपका पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, क्योंकि नेगेटिव नहीं, डोनेशन वगैरह मिलेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, नेगेटिव का मतलब हमारे पास एसेट्स भी नहीं है, ठीक है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, अगर एसेट्स है तो कैपिटल फंड पॉजिटिव रहेगा, अगर एसेट्स ही नहीं है तो नेगेटिव नहीं रहेगा। अब इसके बाद वो पार्टनर्स कैपिटल में नेगेटिव होता है, यहां पार्टनर नहीं है, ये टोटल और ये टोटल हमारा इक्वल आएगा। तो देखो चांसेस मिस्टेक के कहां कहां है, कहां कहां पे आप मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। पहला मिस्टेक, अगर सरप्लस गलत है तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सरप्लस यहां पे गलत जाएगा, टोटलिंग मिसमैच होगा। दूसरा आंसर, कैपिटल फंड गलत निकालोगे, देन फिर आपका आंसर मैच नहीं होगा। अब सबसे पहले मैं बताऊं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के गलत आने के क्या रीजन है। डेप्रिसिएशन यहां माइनस कर दिया, यहां लिखना भूल गए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकालना भूल गए, जो कॉमन एरर करते हो बार बार, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकालना भूल गए और लिखना भूल गए आप यहां पे, तो इस वजह से आपका ये मैच नहीं होगा। और कैपिटल फंड क्यों गलत हो सकता है, आपने सब्सक्रिप्शन में इस मिस्टेक कर दिया, आपको पता ही नहीं चला कि टोटल सब्सक्रिप्शन क्या है और फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन क्या है, तभी आपका ये गलत होगा, अदरवाइज गलत नहीं होगा। दोबारा से मैं एक बार सिंपल बताऊं लैंग्वेज में,
ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इस साइड में सारा का सारा एक्सपेंडिचर और इस साइड में सारा का सारा इनकम आएगा। लेकिन इनकम के ऊपर भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है और एक्सपेंस पे भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। इनकम पे आउटस्टैंडिंग एसेट्स होगा और एक्सपेंस पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होगा, डिपेंड करता है वो ओपनिंग है या क्लोजिंग। अगर ओपनिंग है तो कहाँ चले जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग है तो चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एक्सपेंस और अगर मैं प्रीपेड की बताऊं तो इनकम पे प्रीपेड लाइबिलिटी और एक्सपेंस पे प्रीपेड, एक्सपेंस पे प्रीपेड क्या होगा, एसेट्स होगा। अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जितने भी सारे फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास या फिक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर है तो उसको हम ऑटोमेटिक कहां ट्रांसफर करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जब वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगर कोई भी एडजस्टमेंट दे रखा है लाइक डेप्रिसिएशन, कौन से बैलेंस शीट में, क्लोजिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन क्लोजिंग में, इंटरेस्ट ऑन एक्रूड इन्वेस्टमेंट किस पे होगा, क्लोजिंग से रिलेटेड होगा। बाकी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड तो क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा ये बिगनिंग ऑफ द ईयर का है या एंड ऑफ द ईयर का है, वो क्वेश्चन में सिंपली होगा। अब बात करते हैं स्टेशनरी का। स्टेशनरी जब आप यहाँ पे दिखाओगे, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो स्टेशनरी कंज्यूम निकाल के यहाँ पे कंज्यूम आएगा। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दे रखा तो सीधा जो भी स्टेशनरी है सब यहाँ आ जाएगा। और ये स्टेशनरी देखने को कहाँ मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में। ऐसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर बहुत सारे आपको डोनेशन भी मिल सकता है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी भी हो सकता है तो वो भी हमने यहीं पे लिखना है। तो ये पूरा फॉर्मेट रहेगा पूरे 6 मार्क्स का। पहले हमें सारे एंट्री हम एक साथ लेके चलेंगे और ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और एक नंबर पे क्वेश्चन आएगा इसका नेचर क्या है ये बताएं, तो नेचर है इसका नॉमिनल, ठीक है। और ये हमारा बैलेंस शीट एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है, क्लियर है। अब एक बार पहले नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे बड़ा सा कोई आपके बुक में जो भी हो, उसके बाद फिर डाउट लेंगे। पहले फटाफट नोट करिए आप। हाँ जी, बोर्ड पे देखना क्वेश्चन नंबर 42, बोर्ड पे ध्यान दो आप। नोटिंग अभी बिल्कुल भी मत करना, पहले क्वेश्चन करोगे उसके बाद नोटिंग करोगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन में कहता है टू साइड में, अब ध्यान देना आप बोर्ड पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 42 में आपके टू साइड में सबसे पहले बैलेंस बीडी कहता है और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो जो बैलेंस बीडी गिवन है आपको, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। कैश का भी ओपनिंग बैलेंस है और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस है। नोटिंग अभी बिल्कुल भी मत करना, पहले आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। तो ओपनिंग बैलेंस यानी मैं ओपनिंग एसेट्स पे लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा कैश बैलेंस और बैंक का बैलेंस। और अमाउंट गिवन है कैश का बैलेंस और बैंक के बैलेंस में, अमाउंट गिवन है यहां पे, और अमाउंट गिवन है 10,000 और 21,900, 10,000 और 21,900। जो जो मैं वर्ड बोलूं उसको ध्यान से सुनना, क्या ये एसेट्स हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा एसेट्स करंट एसेट्स का पार्ट होता है। जो फिक्स एसेट्स होता है वही हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी दो तरीके का होता है, एक होता है लाइफ मेंबर्स फी और एक होता है नॉर्मल। तो एंट्रेंस फी जो है वो हमारा नॉर्मल इनकम है और लाइफ मेंबरशिप फी वो आपका लाइबिलिटी होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एंट्रेंस फी है 25,500, इनकम है तो हमें इनकम में लिखना पड़ेगा बाय साइड में एंट्रेंस फीस और 25,500। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको 1,60,000 और ये सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन है। तो जब कभी भी टोटल देगा तो 1,60,000 हमें सिंपल इनसाइड में मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपका सब्सक्रिप्शन पे होगा ही हर क्वेश्चन में। अब लीगेसी है, मैंने लीगेसी के ऊपर, अब लीगेसी आपका इनकम भी हो सकता है और लीगेसी आपका लाइबिलिटी भी हो सकता है, वो अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सारा अमाउंट ज्यादा है
बस मुझे लीगेसी का अमाउंट थोड़ा कम लग रहा है 16,500, तो मैं एज ए इनकम ट्रीट करूंगा और इसे नोट में भी लिखूंगा। ये नहीं कि आपने समझ लिया तो एग्जामिनर को भी समझ में आ गया, नोट देना पड़ेगा लीगेसी। और लीगेसी 16,500, लीगेसी क्या है हमारा 16,500, और इसके रिगार्डिंग नोट देंगे। नोट कहां देंगे हम, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए इसके नीचे, या जहां फाइनल आपका आंसर खत्म हो जाए वहां पे नोट दे सकते हो। नोट में क्या लिखेंगे, वी अज्यूम दैट लीगेसी इज ट्रीटेड एज अ इनकम। हां जी बताओ। देखो जब भी कभी डिस्प्यूट, अरे इधर, जब वो क्वेरी पूछ रहा है बता दो, आप बता दो क्या पूछा था, पता है क्या पूछा लीगेसी, नहीं पता फिर चुपचाप सुन लो, काम आ जाए। अब एग्जामिनर जो होता है, कुछ एग्जामिनर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो बोलते हैं आंसर की साइड करो। कुछ एग्जामिनर क्या करते हैं, वो आंसर की के हिसाब से चलते हैं। दो टाइप के एग्जामिनर है, आंसर की जो होता है उसके अंदर दोनों बातें, इसके आंसर दो होंगे कि बच्चे का ये आंसर भी हो सकता है और ये, वहां पे लिखा होगा क्लियरली कि लीगेसी लाइबिलिटी भी हो सकता है और आपका इनकम भी हो सकता है, तो वो एग्जामिनर चेक कर लेगा वहां पे बिल्कुल। जो उनके पास आंसर की आता है, फर्स्ट टर्म में आपका पेपर होगा आंसर की होगा, तो वहां देखना आप और उनसे आंसर की एक बार देख के रिव्यू करना कि किस तरीके से उनके आंसर होते हैं। और जो एक्सपर्ट है उनको पता है, जिस बच्चे ने लाइबिलिटी में भी चेक किया है, इसने लाइबिलिटी मान लिया हो, वो फटाफट चेक कर देते, तो आपका नुकसान नहीं होगा। अपनी तरफ से आप पूरा नोट देके चलना है, ठीक है। इसके बाद लीगेसी के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। मैंने इसको इनकम कंसिडर कर लिया, नीचे नोट लिख देंगे। नोट क्या लिखेंगे, मैं नोट लिख देता हूं। नोट नंबर वन, वी एज्यूम दैट लीगेसी इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, सॉरी एज इनकम। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये मान रहा है इसको इनकम, यानी ये लाइबिलिटी हो सकता है, ये बच्चे को पता है। चलो इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी, तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, लाइबिलिटी। अब ये होता क्या है, एक बल्क में अमाउंट दे दिया जाता है पूरे लाइफ के लिए, तो उसके बाद वो कभी उसको कोई डोनेशन देता ही नहीं, वो पर्सन एक बार फी दे देता है, तो वो हमारे ऊपर एक तरीके से लाइबिलिटी बन जाता है। तो लाइबिलिटी यहां भी और यहां भी, तो हमें जो भी लाइबिलिटी एसेट्स रिसिपिएंट पेमेंट में मिलेगा हमेशा क्लोजिंग से रिलेटेड। तो लाइफ मेंबरशिप फी और ये अमाउंट दे रखा है हमें, लाइफ मेंबरशिप फी 25,000। इसके बाद सरप्लस फ्रॉम, आपका सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, कोई इवेंट किया होगा एंटरटेनमेंट का, वहां से कुछ पैसा इसने कमा लिया, तो इनकम है ये। सरप्लस का मतलब माइनस, नेट करके बता रहा है। इसको दूसरे तरीके से भी दे सकते थे, इसमें कहा जा सकता था कि एंटरटेनमेंट पे खर्च इतना हुआ और एंटरटेनमेंट पे रिसिप्ट इतना हुआ, तो हम क्या करते हैं खर्च को टू साइड में दिखा देते हैं और रिसिप्ट को बाई साइड में। इसने नेट में दिया कि इतना सरप्लस कमाया है, तो ये तो इनकम ही हुआ हमारा, तो बाय सरप्लस, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट और ये अमाउंट आया 5600। देखो इनकम साइड कंप्लीट, एक एक करके करना है, मैं दोनों साइड लेके चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा और फिर बैलेंस शीट, वो काम नहीं करना आपको, आपको दोनों एक साथ लेके चलना है। अब पेमेंट साइड रेंट, लेकिन एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं एक बार। बिगिनिंग ऑफ द क्लब, आपका ईयर द क्लब के पास बुक है, एसेट्स है, फर्नीचर है, एसेट्स है, बाद में देखेंगे। सब्सक्रिप्शन पे भी एडजस्टमेंट है, और आपका आगे देखा जाए तो 6 मंथ का रेंट पे भी एडजस्टमेंट है, और इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो सबसे पहले रेंट ही है, तो रेंट पे एडजस्टमेंट है, तो इसलिए मैं इसे इन साइड में लिखूंगा रेंट, और रेंट दे रखा है 16,800, ये आ गया रेंट। रेंट के बाद है आपका वेजेस, वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल वेजेस लिख दूंगा मैं, वेजेस खर्चा है
वेजेस आ गया 24,500। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये सब के आगे मैंने टू लगाए नहीं है, टू लगाना है। हालांकि अब तो टू हट गया है, लेकिन आपको फिर भी एग्जाम में लगाना है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका है यहां पे 7200। इसके बाद दे रखा है ऑनोरोनियम। ऑनोरोनियम क्या होता है? खर्चा होता है। ऑनोरोनियम क्या होता है? एक्सपेंस। और ये डॉक्टर वगैरह की फी है, तो ये आ गया हमारा 7200, नहीं 43,500। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने पहले ही देख लिया है। उसके बाद बुक है, तो बुक कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं यहां पे बुक लिखूंगा और स्पेस छोड़ के मैं प्लस करूंगा परचेज। जो आपके यहां पे बुक दे रखा है, उस बुक को, पेमेंट वाले बुक को हम परचेज के अंदर कंसीडर करेंगे, और जो यहां बुक लिखूंगा वो ओपनिंग वाले को मैं एज इट इज उतारूंगा। तो यहां पे बुक परचेज किया इसने 21,300, तो 21,300। इसके बाद देखते हैं ऑफिस का एक्सपेंस। ये तो नॉर्मल खर्चा है, टू साइड में, टू ऑफिस एक्सपेंस, खर्चे को एक्सपेंस में लिख दिया मैंने। और ये अमाउंट दे रखा है ऑफिस एक्सपेंस 45,000। इसके बाद आगे देखते हैं फिक्स डिपॉजिट, एसेट्स है। तो एसेट्स हमारे पास दो है, एक यहां पे भी एसेट्स है, एक यहां पे। तो कौन से एसेट्स में? क्लोजिंग में फिक्स एसेट्स, यानी हमारा फिक्स एसेट्स है। अब भाई फिक्स एसेट्स में क्या? फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट। अब इसके आगे परसेंटेज है, तो हम भी परसेंटेज कोट करेंगे। यहां पे परसेंटेज है 3%, और इस पे 3% फिक्स डिपॉजिट है हमारा 80,000। इस 3% का मतलब पता ही क्या है? इसके ऊपर 3% का ब्याज बैंक वाला हमें देगा। और ब्रैकेट में जो डेट गिवन है, इस डेट का मतलब है कि ये फिक्स डिपॉजिट मैंने करा इस दिन पे है, तो मुझे ब्याज मिलेगा जो साल के एंड में 6 मंथ का, वो आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। वो हम अभी जब फाइनल करेंगे तो देखेंगे। इसके बाद बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी किसका? कैश का बैलेंस। तो मैं यहां पे कैश का बैलेंस लिखूंगा और बैंक का बैलेंस लिखूंगा। अगर आप सिंपली एक फॉर्मेट में प्रोसेस से करोगे तो कभी आंसर गलत नहीं आएगा। अगर आपने कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की और जल्दबाजी करी, तो समझ लो आंसर आपका गलत आने के चांसेस बढ़ गए। एडजस्टमेंट देखते हैं। बिगनिंग द ऑफ द ईयर क्लब बुक, बिगनिंग मतलब ओपनिंग में, 2 लाख रुपए का बुक है, तो ओपनिंग में बुक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 2 लाख रुपए। ये फिक्स एसेट्स है, तो इसको यहां भी लिखेंगे। मैंने बुक के जगह देखो, जगह छोड़ा हुआ है 2 लाख। टोटल मेरे पास हो गया 2,21,300, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर ओपनिंग में 85,000, तो मैं यहां भी फर्नीचर लिखूंगा 85,000, और मुझे इसे क्लोजिंग में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि फिक्स है ये 85,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन इज एरियर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा 3,500, और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हुआ ये हमारी डबल एंट्री, पिछले साल का है, ये डेबिट है, तो यानी पिछले साल का एसेट्स होगा, और यहां लिखेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और ये आ गया 3,500। आगे कहता है एंड ऑफ द ईयर का 4,500, इसी साल का बाकी 4,500 है, वो क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4,500, और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ये कौन से बैलेंस शीट से रिलेटेड है? क्लोजिंग। और एसेट्स या लाइबिलिटी? एसेट साइड। यहां लिखूंगा मैं क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सिर्फ सब्सक्रिप्शन भी चल सकता है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिखा मैंने, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन लिख देता हूं, सब्सक्रिप्शन, और ये अमाउंट है 4,500। चलिए आगे कहता है एंड 6 मंथ रेंट ड्यू बोथ बिगनिंग
एंड एंड ऑफ द ईयर, ओपनिंग में भी हमारा बाकी 6 महीने का है और क्लोजिंग में कितने महीने का, 6 महीने का। अमाउंट यहां पे हमें मेंशन नहीं करता, बोथ बिगनिंग और एंड। तो इसका मतलब जो ये सब्सक्रिप्शन होगा ये पूरे साल का होगा, जब बिगनिंग और क्लोजिंग बोल रहे हैं तो पूरे साल का होगा। तो हमारा पिछले साल का जो बाकी होगा वो होगा, इसमें से चेक कर लेते हैं, 16,800 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 6, यानी ये कितने महीने का आ गया, किसी को डाउट? बिगनिंग में बाकी है, ओपनिंग में, तो माइनस करो ओपनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या, रेंट माइनस करो कितने अमाउंट का, 8,400। क्लोजिंग, ओ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेकिन कुछ बच्चे शॉर्टकट वाले बोलते हैं सर इससे अच्छा नहीं करते हम, तो फिर मार्क्स भी आपके कटेंगे इसमें, ध्यान रखना। नेट रिजल्ट हमारा 16,800 शो करना है। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट 8,400, अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये भी आएगा 8,400। अब देखो ये, यानी आप बोलते हो सर इसको माइनस प्लस नहीं करे तो चल जाएगा, रिजल्ट तो वही आया, तो आपके मार्क्स कटेंगे एग्जाम के अंदर। आपको दिखाना पड़ेगा कि ओपनिंग में ये आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग में ये, और ये निकाला कैसे, कहीं भी दे नहीं रखा, तो 6 महीने बोलता है, तो मैंने मान लिया कि ये पूरा 16,800 एक साल का ही है, तो उसको डिवाइड कर दिया मैंने 6/12, और हमारा ये 1/2 भी कर सकते हैं। अब और कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं आगे, और आगे कहता है प्रिपेयर, इसके बाद आगे कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लब ईयर एंडेड 31 मार्च इट्स बैलेंस शीट आफ्टर द राइटिंग ऑफ, आगे और है एडजस्टमेंट, कहता है राइटिंग ऑफ 5,000 and 11,300, 5,000 फर्नीचर को कम करो और बुक को 11,300 से कम करो, तो लेस डेप्रिसिएशन 11,300, और फर्नीचर मैंने अंदर लिख रखा है फर्नीचर, अब यहां से मैं काट देता हूं फर्नीचर 85,000 बोलता है, फर्नीचर को कम कितने से कर दो, लेस डेप्रिसिएशन 5,000 से, इसकी डबल एंट्री। अब यहां पे आया है तो इसे टू साइड में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 और डेप्रिसिएशन ऑन बुक। तो देखो इस क्वेश्चन में लास्ट में बताया, हमें पता भी नहीं चला था कि ये एडजस्टमेंट भी है, लास्ट में इन्होंने बताया है बिल्कुल, यानी रिक्वायरमेंट के बाद, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। अब कोई इंफॉर्मेशन हमारा पेंडिंग नहीं है, तो अब हमें सिंपली क्या करना है, सिर्फ आंसर निकालना, आंसर पे फोकस करना है अब हमें। तो यहां से देखा जाए 16,000 माइनस 3,500 और प्लस 4,500 17,000, या तो डेफिसिट आएगा या सरप्लस आएगा, जो मुझे लग रहा है यहां पे, एक मिनट, 1,60,000 है वो 161, सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस ही लग रहा है, ये 2,086,000 यहां पे लिखेंगे, अगर आता है तो मैं सरप्लस लिख दूंगा, माइनस 16,800 माइनस 24,500 और ये 55,300 आ रहा है, 56,000 अच्छा, इंटरेस्ट का पॉइंट रह गया हमारा, कहां गया इंटरेस्ट, जब भी अब लिखना आगे से इस पे स्टार बना लेना, अब 6 महीने का लगेगा इस पे, क्योंकि अक्टूबर में करा था, तो अक्टूबर के बाद, अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने अक्टूबर में किया था इस डेट पे, इस डेट पे मैंने 80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और मुझे 3% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो मैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का ब्याज लूं या अप्रैल मई जून जुलाई का ब्याज लूं? 6 महीने बोल दिया, ये वाला 6 महीने या अगले वाले 6 महीने, आगे वाला 6 मंथ, ठीक है, यानी आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसका 6 मंथ का आपका 3% के हिसाब से क्या आ जाएगा, 1,200 रुपए, तो बाय एक्रूड इंटरेस्ट
एक्रूड इंटरेस्ट 1200, और ये डबल एंट्री कर देंगे यहां पे एक्रूड इंटरेस्ट। एक डाउट और बच्चों का आता है, सर इसे इन्वेस्टमेंट में फिक्स एसेट्स में नहीं जोड़ेंगे क्या? मर्जी है, जोड़ दो या अलग से दिखा दो। तो इसमें 1200 और ऐड कर दे, डेट ही तो दे रखी है, नहीं दे रखी तो पूरे साल की देंगे। अजम्पशन लेंगे कि स्टार्टिंग में ही कर दिया है, -16,800। छप्पन हजार पांच सौ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कैपिटल पहले से लिखा हुआ है प्लस सरप्लस, बोर्ड पे ध्यान दो, 56,500 प्लस सरप्लस। अब सरप्लस यहां प्लस करना है और यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 10,000, 21,900, 2,00,000, 85,000 और 3,500, 3,20,000, 400 टोटल है, ये आंसर नहीं है, 3,20,400 -8,400, तो 3,12,000। ये आंसर आपको बुक में दे रखा होगा, 3,12,000। अब सिंपली इसमें प्लस कर देते हैं, 56,500, 368 और 500। अब प्लस 25,000 और 8,400, ये आ गया 401,900। इधर का टोटल देख लेते हैं, अगर 2,10,000 प्लस 80,000, 2,000, 24,200, सेम आंसर आ रहा है, 401,900। तो देखो सबसे पहला इसका अगर मैं करने का बताऊं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो आपका होना चाहिए, करोगे तो कॉन्शियस यानी एकदम बिल्कुल ध्यान से करना है आपको, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड क्वेश्चन पे होना चाहिए, कौन सा एंट्री कहाँ ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है। मैक्सिमम गलती कौन सा करोगे, जो मैंने एक गलती करा, इंटरेस्ट, दूसरा डेप्रिसिएशन देना भूल गए, यानी जो एडजस्टमेंट है उसको डबल एंट्री करना, अगर आप भूल जाओगे तो आंसर नहीं आएगा, अगर एक भी कहीं भी मिस्टेक करोगे तो सारा गलत होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से 3 नंबर का ये है और 1 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है आपके एग्जाम के अंदर, इस तरीके से डिफाइन होगा। अगर ये गलत है तो ये ऑटोमेटिक और ये भी गलत ही माना जाएगा आपका, लगभग ये तो फिर भी सही हो जाएगा, ये तो डेफिनेटली आपका गलत होगा, ठीक है। अब नोट करो आपके बुक का क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 नोट करिए फटाफट।